नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जनता नेशन। ठाकुर के कुआं पे जो है पूरा देश के नजर है और पूरा बिहार के राजनीतिक इस तरह गरमाया कि ठाकुर के कुआं पे आज हम भी बात करेंगे। वही ठाकुर के कुआं जो कुछ दिन पहले सूख गया था, तो उनकी माताजी जो है अचरा पसार पसार के जो है जदयू कार्यालय और भाजपा कार्यालय दौड़ी दौड़ी चप्पल खिया गया था कुआं में पानी डलवाने के लिए, लेकिन फिर भी कुआं में पानी नहीं आया, कुआं जो है सूखल रह गया। तो फिर जो है अपने विचारधारा से समझौता करके तेजस्वी यादव जो है इनको टिकट देके और जितवा दिए कि मेरे जैसे युवा जो है नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो बिहार को जो है तरक्की होगा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव दया दिखाते हुए कहें कि हम आपको टिकट देते हैं और देखते हैं कि कौन माई के लाल है जो आपको जीतने से रोकता है। और तब जो है वहां से जो है युवा विधायक जीतते हैं, और जीतने के बाद क्या होता है, जीतने के बाद कहने लगते हैं कि मेरा कुआं में जो है ठाकुर के कुआं में इतना पानी है कि हमको सबको पिलाना है। तो ये बोलते समय आप भूल जाते हैं कि ठाकुर के कुआं में इतना पानी है कि सबको पिलाना है। कुआं का जो खुदाई जो है कोई दलित के बेटा या पिछड़ा का बेटा किया होगा? अरे दलित के बेटा और पिछड़ा के बेटा कुआं खोदा तब ना पिलाइएगा। तो कुआं का आपका पानी तो सूख गया था, तो तेजस्वी यादव जो है उस आपको टिकट दे के जितवा के कुआं को जो है हरा भरा किए, कुआं में पानी आया, तो वही पानी पिलाने के लिए अब आप जो है पूरा छाती पीट रहे हैं कि हम सबको पिलाना है। इतने रहता तो यदि वो बीजेपी के यहाँ चक्कर लगाते लगाते आपकी माँ का जो है ना चप्पल नहीं खियाता। और जब आप बात कर रहे थे ना कि कुआं का पानी सबको पिलाना है, तो अपने माँ के बारे में आप नहीं सोचे कि आपकी माँ जो है अचरा पसार के पूरा जदयू और बीजेपी के कौन कौन नेता के गोड़ नहीं धरी है। लालू यादव जो है आपको टिकट देके जितवाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं। तो ये गद्दारी पहला बात नहीं है, गद्दारी जो है ये स्टार्टिंग से जो है आपका ये वंशवाद जो होता है ना, वंशवाद और खूने में गद्दारी है। मैंने बताइए जो आपके कुआं सूख गया था उस कुआं में जो है बड़ा वाला पंप डाल के पानी बोरिंग करवाए, वो बोरिंगे के आप खत्म कर दिए। कब अब के विश्वास करेगा आप पे, जब आप संघर्ष के उस दौर से आप गुजर रहे थे, जब आपका जो है अस्तित्व खत्म हो गया था पूरा बिहार से, अपने आप को सबसे बड़ा कुआं वाले नेताजी कहने वाले, आपका अस्तित्व पूरा बिहार से खत्म हो गया था। लालू यादव जो है आप लोग के लिए मसीहा बने और आपको टिकट दे के आपको जितवा के विधानसभा भेजे और गद्दारी कर दिए। कैसा कैसा आरोप नहीं, और कोई आरोप बचा था आपको लगाने के लिए? यहाँ जो है किसी पॉलिटिक्स और पार्टी का हम बात नहीं करेंगे, बात यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं आपका कि आप एक युवा थे, युवाओं में हम लोग जो है सोचते थे कि बिहार में आपके जैसे युवा आ रहे हैं। तेजस्वी यादव थे और भी लोग युवा हैं, संदीप सौरभ जी हैं, बहुत लोग युवा हैं, तो हम लोग चाह रहे थे कि अब जो है नया बिहार बदलेगा। लेकिन जो है जिस तरह से आप दगाबाजी किए, आप अपमान किए, वो अपमान कभी बिहार माफ करेगा आपको? माफ करेगा क्या कभी बिहार? आज हम मजबूरन में ही वीडियो बना रहे हैं, लोग कहेंगे कि तुम जातिवाद कर रहे हो, तो हाँ हम करेंगे जातिवाद, करेंगे जातिवाद, और लोग को बताएंगे कि इस तरह के लोग और इस तरह के विचारधारा पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शाम तक जो है आप क्रिकेट खेलते हैं और गेंदा म्यूजिक सुनते हैं, गिटार सुनते हैं, और रात में FIR अलॉट होता है, 10 थाना के पुलिस जो है आवास पे पहुंचती है और कहती है कि आप किडनैपिंग, आपको जो है जबरन बिठाया गया है। अरे आप माननीय विधायक है, आप जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि है, आपको कोई किडनैप कर सकता है? बुलावा गया तो आप अपने स्वेच्छा गाड़ी से आते हैं, और फिर इस तरह का आरोप। और बिहार जो है एक नजर से देख रहा था कि जिस तरह से बिहार में नौकरी मिला, इस तरह से बहाली आने का जो नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा था, तो एक जो है युवाओं के जो है चेहरे पर आस था, लेकिन आप जो है पूरा बिहार के हर समाज के युवा का जो है ना आप भरोसा तोड़े हैं, बिहार कभी माफ नहीं करेगा आपको। जिस A to Z की बात तेजस्वी यादव करते थे, आज उनको दिख गया होगा कि A to Z नहीं, A to Y उनका है, जेड उनका कभी नहीं होगा। जेड को जो है बगल में सब विधायक जो है आसपास बैठे रहते हैं, और कुआं वाले जो भैया होते हैं वो तेजस्वी यादव के बगल में बैठे रहते हैं, गिटार के जो है गिटार के एकदम धुन पे जो है आनंद लेते हैं, मध्यमगन हो के पूरा एकदम सिर हिलाते रहते हैं, और तेज प्रताप यादव के साथ जो है बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। कोई सोच रहा था कि कटप्पा जैसे जो है बाहुबली के पीठ में जो है खंजर भोंक देंगे? आपने जो है पीठ में
बाहुबली को खंजर भोका है कटप्पा, तो बिहार के तुम कटप्पा हो। बाहुबली मूवी में जैसे बाहुबली को कटप्पा जो है पीछे से खंजर भोक देता है, वैसे ही आपने जो है तेजस्वी यादव के पीठ में जो है खंजर भोक दिया है। आपने जो है बाहुबली के शरीर में जो है खंजर भोक दिया है कटप्पा, तुम बिहार के कटप्पा हो। तो ठाकुर के कुआं और ये सब का बात नहीं करो, ठाकुर का जो कुआं है उसमें और उसमें पानी जो है दलित का बेटा डाला है, तब तुम जो है आज ठाकुर के कुआं की बात करते हो। और बिहार के तुम कटप्पा हो, और बिहार के बाहुबली जो है ना उसका जो है भाषण पूरा जो है अटल जी से तुलना किया जा रहा है, भाषण का पूरा देश दीवाना हो गया है। तो तुम सोच रहे थे कि हम कटप्पा बन के और मेरा चर्चा हो जाएगा, तो कटप्पा का चर्चा न कल हुआ था, न कटप्पा का चर्चा उस मूवी बाहुबली में हुआ था, न कटप्पा का चर्चा आज बिहार में हो रहा है। तो कटप्पा तुम फेल हो गए और तेजस्वी यादव बाहुबली बन के विजय हो गए।